News 18, India. अमेरिका को ईरान से बहुत बड़ी धमकी मिली। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक वाले हमलों के खिलाफ हैं। और अब अमेरिका के इस अटैक के बाद आग और ज्यादा भड़केगी। अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में इराक और सीरिया के अंदर 85 टारगेट पर बम गिराए हैं। ये हमले जिन अड्डों पर किए गए हैं वहां ईरान के समर्थक वाले गुटों का ठिकाना बताया जाता है। इब्राहिम रईसी ने यह भी कहा है कि ईरान पर कोई हमला करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब साफ तौर से ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने उसके समर्थित गुटों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसे लेकर अमेरिका के खिलाफ पश्चिम एशिया में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त पश्चिम एशिया में नए युद्ध के हालात साफ साफ नजर आ रहे हैं। पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के बहुत से अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के करीब 40 सैनिक तैनात हैं। और अब ईरान की डायरेक्ट धमकी के बाद बाइडेन को भी महसूस हो रहा है कि उनके अड्डों पर बड़ा हमला हो सकता है। सवाल है कि क्या ईरान बहुत जल्दी अमेरिका के मिलिट्री बेस पर बड़े हमलों को अंजाम देने जा रहा है। पश्चिमी एशिया में दो वॉर जोन बने हुए हैं और तीसरा बनाने की पूरी कोशिश जारी है। पहला गाजा है जहां इजराइल करीब 4 महीने से 2400 घंटे बमबारी कर रहा है। इन हमलों में 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बच्चे और महिलाओं की तादाद आधी से भी ज्यादा है। अब तक करीब 64,000 लोग घायल हैं। दूसरा वॉर जोन है लाल सागर यानी यमन और अफ्रीका के बीच वो समुद्री गलियारा जहां इस वक्त इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले हो रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजराइल के हर जहाज को तब तक टारगेट करने की धमकी दी है जब तक इजराइल गाजा पर बमबारी नहीं रोकता है। तीसरा वॉर जोन ईरान और अमेरिका के बीच बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल है कि ये लड़ाई ईरान हमले के साथ शुरू होगी। حرکتی رو علیه جبهه مقاومت محکوم میدونیم و مطرود میدونیم و محکوم میکنیم. اسی لیے بائیڈن اور رئیسی دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے چاروں طرف یدھ کا ماحول صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اس میں میسائل بھی ہے، اس میں ٹینک بھی ہے، اس میں ڈرون بھی ہے، اس میں اسپیشل فورس کا آپریشن بھی ہے۔ بائیڈن اس وقت اپنے ترکش میں ہر وہ ہتھیار دیکھنا چاہتے ہیں جو انہیں اسرائیل کے خلاف ऐसा युद्ध लड़ने की ताकत दे जिससे अमेरिका और खाड़ी में उसके दोस्तों को भी कम से कम नुकसान हो। I don't think we need a wider war in the Middle East. That's not what I'm looking for. جمهوری اسلامی ایران جواب او رو جواب محکمی خواهد داد. क्या ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होने वाला है? अमेरिका फरवरी के महीने में ही ईरान पर बड़ा हमला कर देगा? सवाल है कि रूस क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, नाटो का रुख क्या होगा? ईरान पर इल्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि ईरान से जिस मिलिशिया गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है उसको ईरान का पूरा समर्थन है। ईरान की ड्रोन पावर, उसकी मिसाइल पावर, ये सभी न सिर्फ हूती और हिजबुल्ला तक पहुंची हुई है बल्कि इराक के मिलिशिया को भी ईरान से पूरी सपोर्ट मिलती है। पूरे पश्चिम एशिया में यही बात ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। Iran continues to destabilize the region. This includes backing terrorists who attack our ships in the Red Sea.
and the US is leading international efforts to end these attacks. अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ये बात नेटो के महासचिव से मुलाकात के दौरान कही थी, यानी अमेरिका अब रूस और ईरान समेत कई खतरों को लेकर एक बड़े गुट के साथ बात कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी गुटबाजी शुरू कर दी तो इसका अंजाम क्या होगा। खतर के प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि गाजा से शुरू हुआ युद्ध पूरे पश्चिम एशिया को जला सकता है। بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي للتوصل لحل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية وعلى رأس أولوياتنا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة. غزة میں اسرائیل کی بمباری کے بعد چنگاری لبنان پہنچ سکتی ہے. جارڈن خطرے میں ہے. مصر کے اسرائیل سے سمبندھ بگڑنے لگے ہیں. इराक का मिलिशिया हमला कर रहा है और हूती ने जिस तरह से लाल सागर को कंट्रोल किया है उससे अमेरिका और यूरोप का समुद्री व्यापार खतरे में है और अब इन सब वॉर जोन के बाद ईरान और अमेरिका के युद्ध का खतरा सबको सता रहा है। बाल तनेश با هیچ طرفی نیست و معتقد هست که منطقه و جهان بیش از این پذیرش و گنجایش ایجاد تنش‌های جدید. امریکا کا ایک سمندری بیڑا ہمیشہ ایران کے قریب موجود رہتا ہے. اس کی پرمانو پنڈوبیاں بھی ایران کے آس پاس گھومتی رہتی ہیں. ان سب کے بیچ امریکا کے بیس پر جو حملہ ہوا ہے ایک طرح سے امریکا اور ایران کے بیچ تناو کا نیا ادھیائے شروع ہو چکا ہے. امریکا اور ایران کے بیچ دشمنی اب ایک نئے لیول پر پہنچنے والی ہے جس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. So really, we don't know when Israel is going to eventually halt the conflict in Gaza. But I think until we see that, we are in a moment of true instability and insecurity. Again, that jeopardizes the lives of many millions of people. America and Iran ke beech tanav is level par pahunch chuka hai ki dar hai कि एक नया खाड़ी युद्ध बहुत जल्दी शुरू हो सकता है. इसीलिए सवाल है कि क्या इराक और अमेरिका के पास अब ईरान और अमेरिका की जंग होगी और हुई तो इसका दायरा कहां तक फैलेगा. अमेरिका और ईरान का युद्ध क्या वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है. यही सबसे बड़ा सवाल और डर भी है. इन्हीं सब बातों से इस वक्त खाड़ी देशों में तनाव बहुत ज्यादा है. और एनडी गठबंधन का क्या होगा जबकि हर दूसरी पार्टी या तो बगावत यहां पर कर चुकी है, गठबंधन छोड़ चुकी है या छोड़ने की तैयारी में है. ममता बनर्जी अपनी राह निकाल चुकी है. नीतीश कुमार एक बार फिर पलट चुके हैं. केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है. तो सवाल है फिर एनडी गठबंधन का क्या होगा. क्या चुनाव से पहले एनडी टूट कर बिखर जाएगा. क्या विपक्ष का ये मोर्चा मैदान में जाने से पहले ही अपने हथियार डाल देगा. देखिए इंडी की अंत कथा की ये स्पेशल रिपोर्ट.